नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबर हेडलाइन न्यूज के तहत खबर आ रही कि चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के वीर जवानों के साथ बातचीत की। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की जा सकती है कुर्सी, उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कही बड़ी बात। जी हां, भारत और नेपाल लंबे समय से एक अच्छे पड़ोसी रहे, दोनों ही देश एक दूसरे का हर समय साथ देते आए। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से नेपाल का रुख बदला और उसने भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा किया, उसने दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास लाने का काम किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी कर रहे हैं और भारत के हिस्से पर दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ओली को अब खुद अपने ही देश में अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर ये आ रही कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों के परिजनों को बड़ी आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीएम योगी ने शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े। दोस्तों अगली खबर यह आ रही कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार की शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। भारत के नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 थी। भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गुरुग्राम के दक्षिण पश्चिम में 63 किलोमीटर दूर स्थित था। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार। खाने पीने की चीजों के बाद अब इमरान सरकार ने बढ़ाई बिजली के दाम। जी हां दोस्तों, अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दरों में 2.39 रुपए प्रति यूनिट इजाफा करने का आदेश दिया। इस कदम से आम आदमी पर 7,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि दक्षिण कोरिया ने किम जोंग की पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने किम जोंग की पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। गुब्बारे के जरिए इन तस्वीरों को नॉर्थ कोरिया की सीमा में गिराया था। इसी से किम जोंग भड़क गए थे और उन्होंने ऑफिस को बम से उड़वा दिया था। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यूपी में करीब 1,000 नए कोरोना केस, मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंचा। दोस्तों इसी के साथ रेलवे की ओर से कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को राहत की खबर सामने आई। रेलवे ने कहा कि न तो किसी की नौकरी जारी है और न ही भर्तियां कम की जा रही। हालांकि आने वाले समय में कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने पूछा क्या पीएम मोदी ने ट्रंप से बात में चीन का जिक्र किया था। दोस्तों कांग्रेस की ओर से लगातार मोदी सरकार पर दो मुद्दों पर हमला किया जा रहा है। पहला कि लद्दाख में चीन के साथ लगे सीमा पर जो कुछ हुआ उसके बारे में सरकार सच बताए। दूसरा, सीधे सीधे चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछा वह चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।